चलिए कमेंट सेक्शन से क्वेरी को कवर करते हैं। जी हाँ, मैंने कल प्रॉमिस किया था कि जो भी वीडियो पब्लिश होगा उसके कमेंट में जो भी क्वेरी होगा उसको हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू करके मैं एडवाइस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी रिसर्च का रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको कवर नहीं किया जा सकता। हाँ, संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक पोर्टफोलियो का रिव्यू मैं कवर करूंगा। अगर आप वाकई में पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और वहां से व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जी हाँ, या फिर आप एक मेंबरशिप प्लान यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे लेते हैं, कौशिक जी के साइड से है। सर, हाउ शुड बी एन अंडर परफॉर्मिंग स्मॉल के फंड एग्जिटेड एंड ट्रांसफर द इन्वेस्टेड अमाउंट टू ए बेटर परफॉर्मिंग स्मॉल के फंड। आई हैव HDFC स्मॉल के फंड विच हैज़ गोट PSU स्टॉक्स बट वॉन्ट टू ट्रांसफर टू ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल के फंड। ठीक है, अगर आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खराब प्रदर्शन कर रहा है और आप चाह रहे हो दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ट्रांसफर हो, सबसे पहले जो आपका SIP चल रहा है उस SIP को आप स्टॉप कर दें। जी हाँ, और जिस स्मॉल कैप के साथ आप जुड़ना चाहते हैं उसमें आप SIP स्टार्ट कर दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका ओल्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उस पर कोई एग्जिट लोड अप्लाई हो रहा है। देखो, एग्जिट लोड तो अप्लाई होगा ही, जो 12 मंथ का आपका लास्ट SIP अमाउंट गया है उस पर एग्जिट लगेगा, तो आपको उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, एग्जिट लोड फ्री होने देना है और उसके बाद वहां से धीरे धीरे पैसा उठा के आपको जो न्यू स्मॉल कैप फंड है उसमें पार्क करना होगा। लेकिन कैसे पार्क करोगे? जी हाँ, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई ना हो। जी हाँ, तो आप महीने का ऐसे कर सकते हो, महीने का 10,000-15,000 धीरे धीरे आप न्यू स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर सकते हो जब एग्जिट लोड फ्री हो जाए। तो ऐसे आप स्ट्रेटजी के साथ अपने पुराने स्मॉल कैप से न्यू स्मॉल कैप फंड में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो है वो अमित जी के साइड से है। कैन यू प्लीज सजेस्ट अबाउट मदरसन इंटरनेशनल शेयर, प्लीज गाइड अस अबाउट शेयर एल्सो। देखिए, मैं काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर डाटा की बात करें कि इस स्टॉक्स का अभी मूवमेंट कैसा चल रहा है और आने वाले समय में अभी क्या इस स्टॉक्स का मूवमेंट हो सकता है, तो आप देख सकते हैं मैं आपके सामने स्टॉक्स का आपका चार्ट रखा हूं। यहां पे देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक्स में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है, दबाव है। फिलहाल जो ये गिरावट है, अगर आने वाले समय में सेंसेक्स और निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है तो इस स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे का जो स्टॉक्स का आपको लेवल देखने को मिलेगा वो 60-62 रुपये का एक लेवल देखने को मिलता है। ऊपर का जो अभी लेवल देखने को मिलेगा आने वाले एक महीने और डेढ़ महीने की बात करें तो यहाँ पे 75-80 रुपीज़ का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, ये स्टॉक्स अगर 68 रुपये तक पहुँच जाता है और नीचे की ओर मूव करता है तो गिरावट और ज़्यादा भी हो सकता है। जी हाँ, अभी सेलिंग का प्रेशर है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतजार करो, आपको सस्ता यहाँ पे और प्राइस मिल सकता है। अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी संदीप जी का है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है? मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 ईयर से बट इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, प्लीज़ गिव सजेशन। देखो, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एक लार्ज एंड मीड के फंड है और एक साल पहले का रिजल्ट देखे तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी पैसा बना के दिया इन्वेस्टर को। इस म्यूचुअल फंड में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, ये भी है कि इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स का कुछ यहाँ पे परसेंटेज है। अब इंटरनेशनल स्टॉक्स पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं और उसका असर इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से इस फंड का परफॉर्मेंस वीक है तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड को स्टॉप कर देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत और रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे 5-6 महीने का समय दे सकते हो। हाँ, 5-6 महीने के बाद भी अगर फंड का परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ तो एग्जैक्टली आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो आप देख सकते हो राहुल दत्ता जी के साइड से। नेक्स्ट बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% होगा क्या? देखिए, अभी ये कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन मैंने भी यहाँ पे न्यूज़ रीड किया है, जी हाँ, जो कि नेक्स्ट बजट में 20% टैक्स को लेके डिस्कशन हुआ है। लेट्स सी बजट में क्या होता है कि ये 20% होगा कि नहीं होगा, अभी तो सिर्फ हम आकलन लगा सकते हैं, फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, न्यूज़ निकल के आ रहा है एग्जैक्टली कि 20% हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो है वो देख सकते हो हरिओम जी के साइड से है। करेंटली SIP 2000 इन ICICI प्रूडेंशियल मीट के फंड लास्ट 6 ईयर टिल माई बैलेंस 2,50,000, आई थिंक परफॉर्मेंस नॉट बेटर, शुड स्टॉप होल्ड रिडीम, प्लीज एंसर। जी हाँ, देखो, अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी के फंड का थोड़ा सा रिटर्न देखूँ
तो पिछले 3 साल में इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है, पिछले 5 साल में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है, 1 साल में थोड़ा सा ये अच्छा परफॉर्म किया, कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं देखूँ जैसे कि 10 साल का डाटा देखूँ तो 10 साल में भी आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न दिया। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को कुछ ज़्यादा पैसा बना के नहीं दिया, लेकिन अगर मैं 1 साल का यहाँ पे रिटर्न देखूँ, 6 महीने का रिटर्न देखूँ, यहाँ पे 3 मंथ का रिटर्न देखूँ, यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न देखूँ, तो ये देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और स्ट्रांग परफॉर्मेंस शो कर रहा है। मैं यही बोलूँगा कि आपको कुछ समय और देना चाहिए। फिलहाल अभी 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे कि आप रैंकिंग भी देख सकते हो, 10 रैंक है आउट ऑफ 23। अब ये म्यूचुअल फंड रिकवर कर रहा है और आपको कुछ समय देना चाहिए। हाँ, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी अगर ये फंड आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है, कैटेगरी अब इसको बीट नहीं करता है, तब आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सुनील कुमार सिंह, एक्सिस ब्लू चिप एंड एक्सिस मीट कैप, शुड आई कंटिन्यू योर नोट। देखो, संडे के वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड क्वेरी कवर किया था, तो आप संडे के वीडियो में एक बार ज़रूर चेक करें। जी हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। गौतम कुमार मंडल जी की साइड से, सर क्या बिजनेस साइकिल फंड HDFC या टाटा का ठीक रहेगा? देखो, अगर मैं बात करूँ HDFC का तो काफ़ी न्यू फंड है, जी हाँ, और मैं हमेशा इन्वेस्टर को यही बताता हूँ कि आपको ऐसे फंड को फोकस नहीं करना है जो काफ़ी न्यू हो। जी हाँ, कम से कम आपको 1 से 2 साल का समय देना चाहिए। कोई नया फंड आया, जैसे कि ये थीमेटिक फंड्स है, और थीमेटिक्स फंड्स में आप कह सकते हो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे एक सेक्टर फंड में रिस्क होता है, वैसे ही थीमेटिक फंड में रिस्क होता है। तो आपको कुछ समय देना चाहिए, जब फंड 1 से 1.5 साल 2 साल पुराना हो जाए तब ऐसे फंड को फोकस करना चाहिए। और कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो NFO में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो आप देख सकते हो डालविन के साइड से, कैन यू प्लीज़ टेल मी कैन आई इन्वेस्ट 500 रुपीज़ SIP फॉर 3 ईयर्स इन स्मॉल कैप SBI म्यूचुअल फंड, इज इट सक्सेसफुल? काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, 3 साल के लिए आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में फोकस कर रहे हो, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर आप रिस्क फेस कर सकते हो तो आप यहाँ पे SIP कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ बता देता हूँ कि गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्मॉल कैप में आपको अच्छा रिटर्न लंबे समय में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्ट राइट के साइड से है, हाउ इज SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ग्रोथ डायरेक्ट? देखिए, SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है ये डेप्ट पे ज़्यादा फोकस है और इक्विटी पे कम फोकस है। चलिए इस म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा हम रिटर्न देखते हैं कि एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है। तो पिछले 1 साल में 4.87% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 11 से 12% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 8 से 9% का रिटर्न दिया है, और ये म्यूचुअल फंड लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। जी हाँ, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट कर रहा है, और इसके साथ ही साथ जो रैंक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको अभी इस म्यूचुअल फंड पे फोकस करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी वो आशीष जी के साइड से है, ये एक पोर्टफोलियो रिव्यू लग रहा है। मैं फिर से इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें, और डिटेल के बेसिस पे आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी भी एक पोर्टफोलियो रिव्यू लग रहा है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी किशन सिंह जी के साइड से है, कोटेक नैस्टेक 100 FOF के बारे में बताएं, प्रेजेंट में नैस्टेक 100 FOF में SIP किस किस AMC की जा सकती है और कौन सा बेस्ट है? देखो, मैं आपको बता दूं तो करेंटली अभी बहुत सारे फंड्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो ओपन नहीं हैं। जी हाँ, वहाँ पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। फिलहाल जो कोटेक नैस्टेक 100 FOF है, इसकी जानकारी दो तो यहाँ पे ओपन हो सकता है। मैं इस फंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, एक इंटरनेशनल फंड्स है, तो अगर आप रिस्क को फेस कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने बजट का 10% हिस्सा ही ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। देखो, आने वाले समय में मैं आपके सामने डाटा रखूँगा कि कौन कौन सा AMC के कितने इंटरनेशनल फंड्स हैं और क्या वो ओपन है या नहीं है, क्या हम पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इन सारी बातों का जानकारी मैं वीडियो के थ्रू आपके सामने रखूंगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रश्न है जो रमेश जी के साइड से है, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही म्यूचुअल फंड में अगर 2 पोर्टफोलियो नंबर हो तो दोनों के बीच में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है? देखिए, फंड ट्रांसफर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस दोनों फोलियो को मर्ज कर सकते हो। जी हाँ, कंसोल कर सकते हो, और वो AMC के साइड से पॉसिबल है। आप मेल कर सकते हो, जी हाँ, AMC दोनों पोर्टफोलियो को वहाँ पे मर्ज कर देगी और आपको कंसोल होकर सारा फंड एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा।
चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विजेंद्र सिंह के जाइट से, गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, थैंक यू सर। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अरुण कुमार जी के साइड से, गुड एडवाइस सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम के साइड से है, 8000 का SIP, वन टू डू 2000 फॉर ईच फंड, रिस्क कैपिटेट इज हाई, हाउ टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और उसके लिए एक रिसर्च का रिक्वायरमेंट होता है, आपके रिस्क को समझना पड़ेगा, आपका गोल क्या है, इन सारी बातों पर डिस्कशन करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत जी के साइड से, हाउ टू इंक्रीज माई SIP इन SBI स्मॉल के फ्रॉम 500 टू 2000। देखो कई ऐसे ऐप हैं जो SIP एडिट का ऑप्शन देते हैं। अगर नहीं है जिस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप डायरेक्टली AMC के वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आपका 500 का SIP है उसको स्टॉप कर दो और 2000 का न्यू SIP आप स्टार्ट कर दो। जी हाँ, जो आपका पुराना SIP होगा उसको आपको रिडीम नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रहने देना है और 2000 का न्यू SIP स्टार्ट कर दो, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यों का त्यों रहेगा और आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। भविष्य में आप चाहो तो दोनों फोलियो को मर्ज कर सकते हो। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेरी वो राकेश कुमार यादव जी के साइड से, जय हिंद सर राकेश कुमार यादव, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी के साइड से नेक्स्ट क्वेरी है, स्मॉल कैप लॉन्ग टाइम के लिए सही है कि नहीं। जी हाँ, स्मॉल कैप लॉन्ग टाइम के लिए ही सही है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम स्मॉल कैप पे फोकस नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको 7 साल 8 साल के बाद देखोगे तो स्मॉल कैप में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे तो 5 साल में भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट चाहते हो, इट मीन्स कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट, तो वो 7 साल 8 साल के बाद ही देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेरी की तरफ पढ़ते हैं। मनोज जी के साइड से ये जो क्वेरी है, जी हाँ यहाँ पे पोर्टफोलियो भी कवर किया गया है। मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है दीपदास जी के साइड से, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे शिव कुमार जी के साइड से मैसेज है, गुड सर, थैंक यू सो मच सर। नीलेश जी के साइड से, भैया मुझे 15 सालों में 50 लाख चाहिए, कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। नीलेश जी देखो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके रिस्क को समझना पड़ेगा। जी हाँ, आप कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो ये भी देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे सिरीश जी के साइड से है, NJ बैलेंस फंड में बने रहें या बाहर निकलें। देखिए इस फंड की बात करें तो ये अभी थोड़ा सा ना कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 0.20% का रिटर्न दिया, जो कि कैटेगरी अभी इसको बीट नहीं कर रहा है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो वहाँ भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो कुल मिला के इस फंड ने कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। जी हाँ, 29 अक्टूबर 2021 को ये फंड लॉन्च हुआ था और उसके बाद जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 1 साल नहीं हुआ है तो कम से कम आपको 1 साल का समय देना चाहिए, और 1 साल के बाद फंड फिर भी आपको ना दिखे कि एग्जैक्टली कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको बाहर निकलना चाहिए। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मदन कुमार जी के साइड से, वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी जो है वो हनुमान जी के साइड से है, क्वांटेक्स पराग परिक फ्लेक्सी कैप। जो आपका क्वेरी है ये पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके है, तो प्लीज़ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेरी इस वीडियो के कवर हो गए हैं। अब एक वीडियो कल और पब्लिश किया गया था, उसमें भी हम क्वेरी को कवर करेंगे। चलिए जो इस वीडियो में क्वेरी है, सबसे फर्स्ट जो क्वेरी है पंकज जी के साइड से, सुपर एनालिसिस यूजफुल वीडियो फॉर वेल्थ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट जो क्वेरी है वो टेक्निकल त्रिपाठी जी के साइड से है, बेस्ट मार्केट ऑब्जर्वेशन, जय हिंद, जय हिंद सर। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। मानस जी के साइड से, सर जय हिंद, जय हिंद सर, सर हाउ टू इन्वेस्ट इन एनी क्वांट म्यूचुअल फंड थ्रू डायरेक्ट AMC साइट लाइक अदर AMC, एग्जाम्पल SBI, एक्सिस, HDFC, प्लीज़ सजेस्ट। सर मैं आपको बता दूँ कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, उसके AMC से आप क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर आप डायरेक्टली क्वांट म्यूचुअल फंड से कॉन्टैक्ट भी करोगे तो वो आपको यही एडवाइस करेंगे किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। जी हाँ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप MF सेंट्रल के थ्रू क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट AMC के वेबसाइट से पॉसिबल नहीं है, या फिर ग्रो या फिर पेटीएम या ET Money, इन सारे ऐप के थ्रू AMC के म्यूचुअल फंड को आप फोकस कर सकते हैं।
अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं रंजीत जी के साइड से। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेरी है वो आप देख सकते हो विनयकांत जी के साइड से। करेक्ट एडवाइस टुडे, आई रिडीम अबाउट 3 लाख फ्रॉम म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेरी है वो मयंक जी के साइड से है। सर प्लीज़ लुक इन टू माई पोर्टफोलियो। सर पोर्टफोलियो के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू राकेश कुमार यादव जी। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं चंद्रशेखर जी के साइड से। सर जी एक बात बता दीजिए, कोई इन्वेस्टर 3000 की SIP करता है तो उसका कमीशन कितना कटेगा? कंपनी और एजेंट दोनों को कम से कम और अधिक से अधिक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एजेंट का माध्यम से है। तो SBI का आपको डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो और SBI का रेगुलर जो प्लान है उसका एक्सपेंसेस रेशियो, दोनों का डिफरेंस जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपका जो है वो कमीशन के तौर पे जा सकता है। जी हाँ, दोनों के एक्सपेंसेस रेशियो का जो भी डिफरेंस होगा, जी हाँ, वो आप ये सोच सकते हो कि कमीशन के तौर पे आपका पैसा जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, रिस्क कौन कौन से रिस्क के फैक्टर हैं यहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं रमेश जी के साइड से। सर जी नमस्ते, मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक ही म्यूचुअल फंड में अगर दो पोर्टफोलियो नंबर हो तो दोनों के बीच फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपका क्वेरी कवर किया था दूसरे वीडियो में, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विक्की जी के साइड से। सर मैंने फ़ोनपे से SIP चालू किया है लेकिन बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ है। 20 को संडे था लेकिन उसके बाद कटना चाहिए, लेकिन सर अभी तक नहीं कटा है। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप फ़ोन पे के थ्रू जो यहाँ पे SIP कर रहे हो, आप उनके कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करो। मे भी कुछ टेक्निकल इशू हो, आप एक बार प्लीज़ इनके कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करो, यहाँ से कुछ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं रंजीत जी के साइड से। सर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में अभी लमसम कर सकते हैं तो बताएं? देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट है तो मैं बोलूँगा कि नहीं, पूरा अमाउंट को आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिलहाल थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। हाँ, छोटा अमाउंट है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। अगर बहुत बड़ा है तो उसको 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, बाकी जो पार्ट होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट में थोड़ा थोड़ा गिरावट होगा तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एक बार में पैसा आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे चंद्रेश जी के साइड से है। गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेरी की बात अरब मिश्रा जी के साइड से। सर आपकी वीडियो डेली चेक करता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेरी शिव कुमार के साइड से, इन्फॉर्मेशन न्यूज़, थैंक यू शिव सर। बिक्की जी के साइड से, जो कि मैं इनका क्वेरी ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और आई थिंक इनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आप फ़ोन पे के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो वीडियो कल मैंने पब्लिश किया था, इन दोनों वीडियो में जितने क्वेरी थे वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। और मैं इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आप अपने पोर्टफोलियो को लेके कुछ क्वेरी जनरेट करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हो, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ सकते हो। कमेंट्स बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस में आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आना। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।